उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने एक जालसाज यानी फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। यह शख्स मुख्यमंत्री सीएम का ओएसडी बनकर अफसरों से गलत काम कराने की कोशिश में जुटा था। लखनऊ पुलिस ने गौतम पाली इलाके से शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालसाज ने मुख्यमंत्री को ओएसडी अभिषेक कोशिश के नाम पर पीडब्ल्यूडी सचिव समीर वर्मा को फोन किया था। आपको बताते हैं कि इसका आखिर पोल कैसे खुला और खुलासा कैसे हुआ। सरकारी सीयूजी सीरीज के नंबर 9495419789 से कॉल पर अफसरों पर रोब जमाने वाला जालसाज खुद को मुख्यमंत्री का विशेष कार्यधारी यानी अभिषेक कौशिक बताता था। अभिषेक कौशिक के नाम पर 13 जुलाई की शाम 5:36 पर यूजीसी सीरीज के इस नंबर से पीडब्ल्यूडी सचिव समीर वर्मा के नंबर पर कॉल आई। एक ठेकेदार का काम करने को कहा गया। समीर वर्मा का शक हुआ तो उन्होंने तत्काल सीएम को ओएसडी अभिषेक कौशिक के पर्सनल नंबर पर कॉल कर बात की तो पता चला कि अभिषेक कौशिक ने कोई कॉल की ही नहीं थी। किसी जालसाज ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया। घटना की जानकारी होते ही अभिषेक कौशिक ने इस मामले में गौतम पाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। मामला मुख्यमंत्री के ओएसडी से जुड़ा था, लिहाजा आनन फानन में लखनऊ क्राइम ब्रांच ने ब्रांच को लाया गया। जिस सीयूजी सीरीज के नंबर से कॉल आई थी उसी कॉल डिटेल खंगाली गई, सर्विलांस पर लिया गया और जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी बताते चलें कि पल्ली पुलिस ने सीतापुर के शादीपुर उमरी गांव में रहने वाले कुंवर नीरज चौधरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की गई तो पता चला नीरज चौधरी पहले भी कई अफसरों को इसी सीयूजी नंबर से फ़ोन करता था और लोगों से पैसा ऐंठ रहा था। पकड़ा गया नीरज चौधरी अपने गांव का पूर्व प्रधान भी है। सीतापुर में BSNL विभाग से में परिचितों की मदद से उसने सरकारी सीयूजी नंबर हासिल भी किया है। यूपी में चुनाव होने हैं और इस तरह के घटना पे का आना उन तमाम लोगों के लिए अफसोस के लायक है जो लोग आम लोग हैं, क्योंकि जब इस तरह के फ्रॉड धोखेबाज जब सीएम का जो है ओएसडी बताकर जालसाज कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, तो बाकी जो आम लोग हैं वो किस तरह से महफूज रहेंगे, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।